जो भी बच्चे 11 से 12th में जा चुके हैं या फिर एट प्रेजेंट 11th में है, जो अगले साल 12th में जाएंगे, अगर आप किसी भी 12th के स्टूडेंट से बात करेंगे, वो हमेशा कहेगा यार 11th बर्बाद मत होने देना। उन्होंने भी बर्बाद करी, हम लोगों ने भी अपने टाइम पे बर्बाद करी थी, और आप भी कहीं ना कहीं बर्बाद करेंगे। ये श्योर शॉट है, ये प्रथा चलती आ रही है। इस प्रथा को जो तोड़ देता है बच्चा, वही रैंक निकाल जाता है। तो जो भी बच्चा 12th में आता है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डोंट थिंक दैट यू नीड। कुछ बच्चों को लगता है स्टार्टिंग में कि सर हमारी 11th इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो क्या सर मैं कर पाऊंगा। ये एक सेल्फ डाउट अपने अंदर पहले रख लेते हैं, और टीचर जब बेसिक चीज भी पढ़ा रहा होता है तो उनको लगता है इसके अंदर और डिटेल की रिक्वायरमेंट है, तो वो बिलीव नहीं होने की वजह से उसके अंदर डाउट्स ज्यादा बनते हैं। टीचर को पता होता है बेटा कि कब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब किसको इलेबोरेट करके बताना है। अगर कोई 11th की चीज भी रिक्वायर्ड हो रही होगी तो वो टीचर उसको इलेबोरेट करेगा। यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस, राइट।